The result is also true for n equals to k plus 1. अब हमें साबित करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट या प्रोपोजिशन व्हाटएवर आप जो लिखना चाहें, द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, k के अगले स्टेप के लिए भी ये रिजल्ट कारगर होना चाहिए. अब यहां से शुरू होगी साइंस, करना कैसे. अब एजम्पशन खत्म, ये नहीं कि जहां जहां आना है वहां k प्लस 1 रखना है, ऐसा नहीं है. वो आपने एज्यूम किया था, आपने n की जगह k रख दिया था. अब आपको प्रूफ करना है कि ये प्रोपोजिशन k प्लस 1 के लिए भी कारगर है, साबित होगी. इसके लिए आप जाएंगे रफ वर्क में, और ये रफ वर्क इस प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रफ वर्क जो आप इस पूरी बुक में अपने फर्स्ट ईयर ही करेंगे, क्योंकि ये बाकायदा सवाल ही रफ वर्क से आगे जाएगा. ठीक है, तो रफ वर्क पे आ जाइए. आपने रफ वर्क में एक लेफ्ट साइड लेनी है और एक राइट साइड लेनी है. ठीक है, लेफ्ट साइड पर कौन होगा, जो स्टेप टू में इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे nth टर्म थी आपकी, जो अब kth टर्म बन गई है, ये लेनी है. और राइट साइड पर ये लेनी है. लिख लें पहले अपने पास 2k-1 k2. अब जहां जहां k आ रहा है k, वहां वहां k प्लस 1 रख दीजिए खुद. 2 ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस k की जगह मैंने इंड्यूस किया है k प्लस 1. ठीक है, माइनस वन, बाकी सब अपनी जगह है. माइनस वन अपनी जगह है, टू अपनी जगह, इस के की जगह के प्लस वन. सिमिलर इज द केस के प्लस वन, के की जगह और ये स्क्वायर अपनी जगह लगा हुआ है, वैसे ही लगा हुआ है, बट के की जगह इंड्यूस किया के प्लस वन. राइट साइड पे आपको कोई काम नहीं करना होता. राइट साइड पे आपने जैसे ही के प्लस वन रखा, इसे आप फ्रीज कर दीजिए कि बस ये मुझे लाना है के प्लस वन. ठीक है, लेफ्ट साइड पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन अगर आप चाहें, बल्कि अच्छी बात है कि आप करें, तो सिंप्लीफिकेशन इज लाइक, अगर सिर्फ ये लिखा होगा ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन फायदा नहीं है कि मैं अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देता 2k प्लस 2 हो जाता, ये कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं. लेकिन हाँ, अभी ये माइनस वन की वजह से होगा कि जब मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2k प्लस 2 और ये माइनस वन एज इट इज, तो अब फायदा क्या हो रहा है, इस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो 2 आया वो 2 माइनस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1. तो सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लीकेशन फायदा मुझे ये हुआ कि ये माइनस 1 इसके साथ जो है वो न्यूट्रलाइज होकर 2 माइनस 1 1 बन चुका है. ये जो चीज आपके पास आई है स्टेप 3 में, ये आपको ऐड करना है बोथ साइड्स पे. स्टेप 2 की जो आपके पास k की फॉर्म में इक्वेशन आ रही थी, इसमें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको ये जो आपकी रफ वर्क में लेफ्ट साइड आ रही है ये ऐड करनी है. और उसके बाद ऐड करने के बाद राइट साइड पे ऑटोमेटिकली ये आना चाहिए. अगर इस 2k+1 को, जो कि रफ वर्क की लेफ्ट साइड है, स्टेप 2 की इक्वेशन में ऐड करने पर बोथ साइड्स पर राइट साइड पे ये अपीयर हो गया, तो आपका सवाल खत्म, प्रूफ हो गया. कैसे, बात करेंगे. ठीक है, लेकिन मैं अब इसको लेके चलूंगी तो रफ वर्क था, ये आप सॉल्यूशन में रखें ना रखें डज नॉट मैटर. ठीक है, इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एडिंग 2k+1 ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 1+3+5+...+2k-1. ये तो पहले से लिखा हुआ था, इसमें अब मैं ऐड कर रहा हूं 2k+1 लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पहले लिखा हुआ था k2, इसमें भी क्या ऐड कर रहा हूं 2k+1 कर दिया ऐड. कैसे ऐड किया, कहां से पता चला, रफ वर्क की लेफ्ट साइड जो थी वो दोनों तरफ ऐड करनी थी, कर ली. अब करना क्या, अब लेफ्ट साइड से आपको कोई मतलब वास्ता नहीं है, राइट साइड पर एडिशन के बाद अगर आप रफ वर्क की राइट साइड लाने में कामयाब हो गए तो आपका सवाल. ठीक है, तो अब चूंकि ये पहला सवाल था, यार ये बहुत ही बेसिक पहला सवाल, आसान सा सवाल होता है, अगर आप इसको और से देखें k2+2k+1 चाहे तो इसी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दीजिए, या फिर इसको फॉर्मूले में, ये एक्सपेंशन है, इसको आप फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं. ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं के प्लस वन का होल स्क्वायर. आप वापस खोल के देखिए के स्क्वायर प्लस 2k+1 वापस नहीं पहुंचे, इक्विवेलेंट रेफरेंस आप दे दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो आपको पता है. अब आप रेफरेंस देना भी अच्छी जरूरत है. जैसे ही आपके पास राइट साइड मिल गई, आपने इसमें यहाँ पे फ्रीज कर दिया, ये आपका सवाल. आपने बोला
therefore the result is also true for n equals to k plus 1. Hence, by the principle of mathematical induction, the given proposition is true for all natural numbers of n. Of course, हम natural numbers की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि integral value में 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा. अगर आप ये कहते हैं सर इसको आप proof करें किसी fractional value के लिए, तो वो बात नहीं होगी. फिलहाल सिर्फ natural numbers की बात होगी. तो for all natural numbers of n, ठीक है, integral value. अगेन थोड़ा सा मैं लिया तो प्रोपोजिशन ये है, पहला सवाल भी मैंने चेक किया, इट्स लाइक अ वायर, यानी कि अगर आपके पास एक पानी का पाइप है और पानी इस तरफ से नहीं आ रहा है कि आप इस तरफ से डाल रहे, तो ये कैसे इकोनॉमिक है? पहले आपने चेक किया इनिशियली पहले स्टेप पे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल पहले स्टेप, अगर आ रहा है तो फिर आप आगे जाके उसको चेक करेंगे. अगर पहले स्टेप पे पानी नहीं आ रहा तो जाहिर है ऑब्वियसली प्रॉब्लम है नीचे की तरफ, ये बात समझते हैं. तो बिल्कुल इस तरीके से सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल जहाँ से प्रॉपर्टीशन शुरू हो रही है वहाँ पर चेक कर लेंगे कि वहीं पर सही है या आगे तो जाना तो बेकार हो जाएगा अगर वहीं गलत हो गई प्रॉपर्टीशन. इसलिए वेरीफाइंग द रिजल्ट फॉर एन इक्वल्स टू 1, सबसे पहले स्टेप में देखा कि अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो क्या पहली टर्म बन गई, अगर मैं यहां पर 2 रखूं तो क्या शुरू की दो टर्म्स का सम बन रहा है, अगर मैं यहां पर 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो क्या शुरू की तीन टर्म्स का सम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ऑब्वियसली. तो हमें इस शो पर भी दिखानी है हमें पहले टर्म के n = 1 व्हिच इज ट्रू. आगे बढ़ जाइए, स्टेप टू अज्यूमिंग द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर n = k, जहां जहां एन का वहां की रहती है, ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन पे कुछ किया नहीं है, हमने बता दिया कि एक सर्टेन स्टेप तक के लिए सही है, अस्यूम कर रहे हैं. तो अगर उस स्टेप तक प्रोपोजिशन ठीक है तो उसके अगले स्टेप पे भी ठीक होगी. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1. के प्लस 1 कौन है? के का अगला स्टेप. अगर के 50 है तो के प्लस 1 कौन होगा? 51, ठीक है ना? तो फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 यहां पर रुककर adding something on both sides, हर सवाल. अब ये जो something है इसके लिए आपको rough work में जाना है. Rough work में जाके proposition की left side, proposition की right side लिख लीजिए अपने पास, लिख लीजिए 2k minus 1 k square, left side right side, जहां जहां k है वहां वहां k plus 1 induce कर दीजिए, k की जगह k plus 1, k की जगह k plus 1. left side पर simplification से अगर फायदा हो रहा है कुछ तो कीजिए, नहीं हो रहा तो नहीं कीजिए, ये आपकी आसानी के लिए, गलत नहीं हो जाएगा इससे. लेकिन अगर यहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करेंगे कि कहां आपको आगे जाना है, कहां आपको रुक जाना है, उससे आपकी यहां आसानी होगी. ये यहां पर अगर सही तरह समझ नहीं पाएंगे कि क्या ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं उठा के यही ऐड कर देता तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहां पर, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन जिससे आपको फायदा होगा तो कीजिए. यहां मुझे फायदा हो रहा है अगर मैं 2 इधर मल्टीप्लाई करूंगा 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये दो टर्म्स मिलकर एक बन जाएंगे ऑब्वियसली सेम कभी लेके, तो 2k प्लस 1. और राइट साइड पे कुछ नहीं करना, जहां k है वहां पे k प्लस 1 रखा, रिमेंबर राइट साइड पे कुछ नहीं करना, बस जहां पे k था वहां k प्लस 1 रखा, उसको फ्रीज कर दिया आपने, ये आपकी रिक्वायरमेंट है. राइट साइड अब आपकी ये बननी चाहिए, लेफ्ट साइड आप ऐड करेंगे बोथ साइड पे, किस किसकी बोथ साइड पे, जो आपके पास प्रीवियस इक्वेशन बची हुई है. स्टेप 2 में इसमें आपने 2k प्लस 1 यहां भी ऐड कर दिया, 2k प्लस 1 यहां भी ऐड कर दिया, एडिंग 2k प्लस 1 ऑन बोथ साइड, ये आ गया और ये आ गया. अब लेफ्ट साइड का काम खत्म, आपको उसको देखना ही नहीं है, आपको राइट साइड देखनी है और राइट साइड में जो भी आ रहा है उसको ये बनाना है. ऑब्वियसली वो बनेगा, बस यही तो इस पूरे सवाल में वर्किंग है, कैसे बनेगा. मुख्तलिफ सवालात में मुख्तलिफ काम करना पड़ेगा आपको, कोशिश कीजिए कहीं कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है मिडिल टर्म ब्रेक लीजिए, फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाइए, लेकिन अल्टीमेटली यहां तक पहुंचिए. अगर आपने ये कर लिया तो सवाल खत्म हो गया, कंडीशन 1 तो सारे सवाल ऐसे ही होंगे. तो ये चूंकि पहला सवाल था एज आई सेड बिफोर, तो ये बड़ा आसान हो गया कि 2k प्लस 1 मैंने ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन गया,
रेफरेंस दे दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैंने लिख दिया हेंस देयरफॉर द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ एन। ये पहला सवाल आपका खत्म हो गया।